Hello guys and welcome to Economics with SK. आपने बहुत कुछ पढ़ा, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो शुरुआत करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। तो टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, और मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है। पर लेकिन क्वेश्चन तो यही है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन वेयर प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। ऐसा लेवल जहां पर प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, जहां प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा फायदा होता है, वो वाले लेवल को हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन द सिचुएशन वेयर द प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और प्रोड्यूसर को सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगा? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा जहां पर होता है उस लेवल को हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब शुरुआत करते हैं पहली अप्रोच की। पहली अप्रोच है टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो पहले हमें पता करना होगा टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट कैसे पता करें। खैर, ये सब बात से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तीन चार जो चैप्टर है, प्रोडक्शन हुआ, कॉस्ट हुआ, रेवेन्यू हुआ, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हुआ, इन सभी चैप्टरों में बहुत सारी चीजें हैं और अलग अलग तरीके से जी हम सबको पढ़ेंगे, तो इन सबको याद रखना बड़ा मुश्किल है, याद रह ही नहीं सकता है। पर लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक शानदार फार्मूला बता रहा हूं जिसके थ्रू आप सब कुछ याद रख सकते हैं। आपको इन तीन चार चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज याद रखने लायक है, और वो चीज है कि मार्जिनल को जोड़ते जाओगे तो टोटल आता जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, मार्जिनल कॉस्ट इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है यू से। इसका नेचर होता है यू से, यानी कि पहले आपने मान लीजिए 10 रख दिया, फिर 8, फिर 6, फिर वापस आपने बढ़ा दिया 9 रख दिया, 12 रख दिया, यानी कि आप पहले कम कर दो फिर बढ़ा दो। मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू आप टोटल कॉस्ट पता कर लो, फिर एवरेज कॉस्ट पता कर लो, जो भी पता करना है सारी चीजें पता कर सकते हैं। और आपको हर वक्त याद रखना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट का नेचर कैसा है या एवरेज कॉस्ट का नेचर कैसा है, वो सब याद नहीं रह पाएगा। एक ही चीज याद रह पाएगी आने वाले 10 साल तक, और वो है मार्जिनल कॉस्ट। सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट का नेचर याद रखना है चार चैप्टर में कि इनका नेचर ऐसा यू से, पहले ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा, राइट। तो पता करते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कैसे पता करो, कैसे है पहले, सबसे पहले पता करते हैं टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू मतलब मीन्स व्हाट? आप एक शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल में आपने शेड्यूल बनाया, आपने लिखा यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट आप बेच रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपने यूनिट लिख दी कि हम ये यूनिट हम सेल कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये किसी भी कोई पर्टिकुलर चीज है, उसकी प्राइस जो दे रखी है वो हमें प्राइस मान लीजिए 10 रुपीज मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? प्राइस 10 रुपीज। अब आप बताइए एक यूनिट बेचेंगे तो कितना मिलेगा? 10 रुपीज। दो यूनिट बेचेंगे तो 20, 3 पर 30, 4 पर 40, 50, 60 एंड 70। तो ये तो हो गया टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मीन्स व्हाट? टोटल रेवेन्यू मीन्स प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब ये रही क्वांटिटी और ये इसकी हमने प्राइस एज्यूम कर ली थी कि प्राइस 10 रुपीज है, राइट। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी आपको मिल गया, टोटल रेवेन्यू आपको मिल गया, राइट। अब ये टोटल रेवेन्यू आपको मिल गया, इसको मान लीजिए आपको प्लॉट भी करना है, तो आपने एक एक ग्राफ पर इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, एक ग्राफ पर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। पहले टोटल रेवेन्यू को प्लॉट कर लेते हैं, बाद में फिर टोटल कॉस्ट को प्लॉट कर लेंगे। तो पहले टोटल रेवेन्यू को प्लॉट किया हमने, हमने प्लॉट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। फिर ये टोटल रेवेन्यू तो बढ़ता ही जा रहा है, फिर हमें इधर इस साइड में इसको प्लॉट करना है। आपने ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से ये 70, 80 बढ़ता जाएगा अभी। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 पर कितना है? 10 है, 1 पर 10 है, ये आपने पॉइंट लगाया।
2 पर 20 है, 3 पर 30 है, 4 पर 40 है, 50 है, इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि ये टोटल रेवेन्यू का जो कॉस्ट है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड साइड में, मतलब आपका कुछ अपवर्ड साइड में इस तरीके से पॉजिटिवली अपवर्ड बढ़ते जा रहा है। अब पॉजिटिवली अपवर्ड तो आप समझते ही होंगे कि यदि दोनों चीजें बढ़ती है तो उसको पॉजिटिवली एक कर्व बनता है, तो एक पॉजिटिवली कर्व, एक पॉजिटिव अपवर्ड कर्व जो है बन जाएगा। ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू कर्व। अब ये कौन से सिचुएशन में हो रहा है? ये हो रहा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट सिचुएशन में। कौन सी सिचुएशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन यानी कि ऐसा मार्केट जहां पर प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है। देखिए ये जो क्वेश्चन था हमने प्राइस इसमें कॉन्स्टेंट मानी है, 10 10 10 10 10 10। आप चाहे तो एक कॉलम इधर भी बना सकते हैं एवरेज रिवेन्यू का या फिर प्राइस का, कि 10 1 10 10 2 20 10 3 30। तो इसकी प्राइस जो है कॉन्स्टेंट है। तो ये हो गया आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ही हम बात कर रहे हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में टोटल रिवेन्यू का नेचर, राइट। अब हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पता करने के लिए एक चीज तो होगी टोटल रिवेन्यू, चीज क्या पता करना है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू यदि आप टोटल कॉस्ट पता करेंगे तो बड़ा ही आसान रहेगा, बड़ा आसान रहेगा। अब एक काम करते हैं, पहले यहां पर मार्जिनल कॉस्ट लिख लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि हमें टोटल कॉस्ट पता करना है, टोटल कॉस्ट पता करना है। हम टोटल कॉस्ट का नेचर जो है वो एज सेफ्ट का नेचर है, उसमें हमें नंबर प्लॉट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में नंबर प्लॉट करना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि उसका नेचर है यू सेफ्ट नेचर, पहले ज्यादा फिर कम, फिर और कम और फिर ज्यादा। यानी कि मैंने मार्जिनल कॉस्ट रखा, मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट को मैंने शुरुआत में रखा 10, बाद में फिर मैंने इसको कम कर दिया 8, फिर और कम कर दिया 6, फिर मैं अब बढ़ाना शुरू कर दू इसको 6 के बाद मैंने इसको बढ़ाया 9, फिर 12, फिर 15, फिर मान लीजिए मैंने कर दिया 20। ये है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आप देख रहे हैं इसका नेचर कैसा आ रहा है, यू शेप नेचर है इसका, यू शेप, राइट, यू शेप का इसका नेचर है। अब आप मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू आपने क्या पता कर लिया? आपने पता करेंगे कर लिया क्या करेंगे करेंगे क्या टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू आप पता कर रहे हैं टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का नेचर है यू से, राइट, यू से। अब इस यू से आपको आप प्लस करते जाइए, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट को आप प्लस करते जाइए। मार्जिनल कॉस्ट को आप प्लस करेंगे तो 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 और 6 24, 24 और 9 कितना होता है 33, राइट, 33 और 12 45 और 15 हो गया 60 एंड 20 ये हो गया 80, राइट है, ये हो गया 80। यानी कि आपने दो शेड्यूल बना लिया, कि टोटल रेवेन्यू का, दूसरा बनाया आपने टोटल कॉस्ट का। एक बनाया आपने टोटल रेवेन्यू का, दूसरा बनाया आपने टोटल कॉस्ट का। अब आपने पहले टोटल रेवेन्यू को तो प्लॉट कर चुके हैं, अब हम प्लॉट कर देते हैं किसको, टोटल कॉस्ट को। चलो ठीक है, फर्स्ट यूनिट पर 10 है तो चलो ये 10 तो यहीं पर हो गया पॉइंट, फिर 18 है यानी कि टोटल रेवेन्यू यहाँ पर 20 है और टोटल कॉस्ट इसी लेवल पर 18 है, 18 यानी कि इससे थोड़ा सा कम, ये यहाँ आता तो ये यहाँ पर है। फिर यदि आप बात करेंगे कि ये जहां 35 या 24 है यानी कि इससे और कम, राइट है, आप देखते जाएंगे कि कौन से लेवल तक कम है। आप देखेंगे कि टोटल कॉस्ट 45 है या 50 है या 60 या 60 है, यानी कि आप ये पहले तो कम कम है, और जहां पर लेवल 6 यूनिट के लिए बात करें तो 6 यूनिट पर वापस आकर के ये दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी कि आप बात करेंगे टोटल कॉस्ट की तो कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा, 60 यहां पर है, यहां पर आकर के वापस टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। ये रहा टोटल कॉस्ट कर्व और ये टोटल रिवेन्यू कर्व पहले से बना हुआ था,
अब आपको इस कर्व में एक बात समझ में आई होगी, ये है टोटल कॉस्ट कर्व और ये है टोटल रेवेन्यू कर्व। टोटल रेवेन्यू मतलब कि जितना भी पैसा आ रहा है और टोटल कॉस्ट मतलब जितना भी पैसा जा रहा है। आपको एक यूनिट बेचने पर 10 रुपीज आ रहे हैं और 10 रुपीज ही आपका खर्च हो रहे हैं, तो यानी कि आपका प्रॉफिट इस लेवल पर क्या है, जीरो। इस लेवल पर आपका प्रॉफिट क्या है, जीरो। और ये कौन सी यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट है, यूनिट लिखने में थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। तो ये वो लेवल है जहां पर आपको जीरो लेवल ऑफ प्रॉफिट है। वैसे जीरो लेवल ऑफ प्रॉफिट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, तो जीरो लेवल ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन आप इसके बाद देखेंगे एक और पॉइंट है जहां पर आपको 60 रुपीज में आपकी आपको कॉस्ट आ रही है, 60 रुपीज आपके पास आ रहे हैं, यहां पर भी प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, जीरो है, राइट। यहां पर ये सिक्स यूनिट है, सिक्स यूनिट यहां पर, यहां पर भी आपका प्रॉफिट कितना है, जीरो। तो यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, लेकिन यहां आप देखेंगे कि ये अगर आपको रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है, यानी कि यहां पर भी आप लॉस की सिचुएशन में है और यहां पर भी आप लॉस की सिचुएशन में है, यानी कि ये जो सिचुएशन है जहां पर रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है, तो ये सारी सिचुएशन जो है वो प्रॉफिट वाली सिचुएशन है। अब इस प्रॉफिट वाली सिचुएशन में जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, जहां पर सबसे ज्यादा गैप होगी, वाले लेवल को हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पर आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। अब वो वाला लेवल कौन सा है, एक काम करते हैं, सिंपल सी बात है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं। 10 में से 10 गया 0, 20 में से 18 गया 2, 30 में से 24 गया 6, 40 में से 33 गया 7, 50 में से 45 गया 5, 60 में से 60 गया 0, 70 में से 80 गया माइनस का 10। तो आप इस टेबल में देखें कि इस टेबल में आपको प्रॉफिट कौन से लेवल पर सबसे ज्यादा है। इस टेबल में आपको ये जो लेवल है फोर्थ लेवल पर मैंने पी रखा है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इसलिए रखा है कि इस लेवल पर मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जिस लेवल पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जिस लेवल पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है पॉजिटिवली सबसे ज्यादा है, उस वाले लेवल को मैं क्या बोलूंगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलूंगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहाँ पे कौन से लेवल पर है, फोर्थ लेवल पर है, राइट। फोर्थ लेवल पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, और यदि इसको मैं ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ, तो ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि सबसे ज्यादा इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, फोर्थ लेवल पर है, ये हम इस टेबल के थ्रू हमें पता आई थी। तो जब हम प्लॉट कर रहे हैं, एग्जाम की कॉपी मान लीजिए आप प्लॉट करना है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि इस टेबल के थ्रू कौन से लेवल पर ज्यादा प्रॉफिट है, फोर्थ लेवल पर। तो आप ये फोर्थ लेवल से एक लाइन बना दीजिए, फोर्थ लेवल से आपने एक लाइन बना दी और इसी लाइन को आपने नाम दे दिया प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि ये वो लेवल है जहां पर प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप चाहें तो एक नीचे एक ग्राफ और बना सकते हैं, और इस ग्राफ में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहां पर है, यहां पर तो जीरो प्रॉफिट है और यहां पर भी जीरो प्रॉफिट है, यानी कि आपकी लाइन एक लाइन बनाइए और यहां पर मैक्सिमम लेवल तक लाइए उसको, आपने एक लाइन बनाएंगे इसके पैरेलली और यहां तक आप उसको मैक्सिमम लेवल तक लाइए, इसके बाद आप नीचे ले जाइए, यानी कि ये वो फोर्थ यूनिट है जहां पर आपका प्रॉफिट जो है वो सबसे ज्यादा है। ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रॉफिट को, प्रॉफिट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रॉफिट जहां सबसे ज्यादा है वहां प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। वैसे यदि आप ये नहीं भी बनाए नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, अल्टीमेटली तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट आपको दोनों को रिप्रेजेंट करना रहता है। तो ये था टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के बारे में, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू कैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करें। नेक्स्ट आप देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू कैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करें। इस अप्रोच को एक मिनट में हम रिव्यू करते हैं कि टोटल रेवेन्यू के लिए आपने प्राइस इंटू क्वांटिटी किया, टोटल रेवेन्यू आपको मिल गया, फिर आपने मार्जिनल कॉस्ट का नेचर यू से होता है ये प्लॉट किया और इसके थ्रू टोटल कॉस्ट अप्रोच टोटल कॉस्ट आपने फाइंड आउट कर लिया, दोनों को प्लॉट किया, देखा कि प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहां पर है, वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर दिया और आपने टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू पता कर लिया कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में साइड में देखिए, आपको साइड में वीडियो आ रहा होगा, साइड में वीडियो आ रहा होगा, नेक्स्ट वीडियो आपका मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के बारे में। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया जाए। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।